एशियन डेवलपमेंट बैंक की फरवरी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सदी के अख्ताम तक यानी 2099 के तक 80 सालों में अगले पाकिस्तान का जो दर्जा हरारत है वो 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। दर्जा हरारत में इजाफे से गर्मी की खौफनाक लहर पैदा हो सकती है जिससे इंसानों और मवेशियों की अमवात में इजाफा होगा। पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। पानी के बहरान की वजह से बिजली की पैदावार मुतासर होगी। गंदम और चावल की पैदावार में खातरखा कमी वाकई हो जाएगी। इस सदी के अख्ताम तक समुद्र की सतह में 60 सेंटीमीटर तक इजाफा हो सकता है। दरियाओं की रवानी मुतासर होगी। सैलाब और बारिशें गैर मुतवक्के हो जाएंगी। पाकिस्तान के दर्ज हरारत में सालाना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2040 तक पाकिस्तान की जरई पैदावार 8 से 10% कम हो सकती है। हमारे हुक्मरानों की गफलत के बायस गुज़श्ता 30 सालों में पाकिस्तान में गर्मी की खौफनाक लहर में 30 दिनों का सालाना इजाफा हुआ है। साहिल कराची के साथ समुंदर की सतह में 10 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के शहर नवाबशाह का दर्जा हरारत 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा जो कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड किया गया दुनिया का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत था। हुक्मरानों की नाकस पॉलिसियों की वजह से यौमिया 40 लाख गैलन से जायद म्यूनिसिपल और सनती फुजला समुंदर में फेंका जा रहा है। 2017 में डायरेक्टर जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग ने बताया था कि 25 साल पहले समुंदर के साहिली इलाकों का यह पानी नीला था और इनमें डॉल्फिन को देखा जा सकता था। आज समुद्री मखलूक नापैद होती जा रही है क्योंकि बंदरगाह 100% आलूदा हो चुकी है। फजाई आलूदगी के सबब पाकिस्तान में सालाना 1,10,000 शहरी मर जाते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासर 10 ममालिक में 7वें नंबर पर था। 1997 से लेकर 2016 के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तानी मईशत को $4 अरब का नुकसान हुआ। 2010 में जो सैलाब आया उसे अक्वामे मुत्तहिदा ने तारीख का तबाहकुन सैलाब कहा। वो 2000 अफराद की जान निकल गया और तकरीबन 2.25 करोड़ लोग शदीद मुतासर हुए। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद बेघर हुए और जर्मन वॉच के मुताबिक तकरीबन $25 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तानी मईशत को। पेशावर यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज इसी ढब से चलता रहा तो 2080 तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़रात बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यह सूबा एक बंजर और कहत ज्यादा इलाका बन सकता है। मुख्तलिफ आदादो शुमार के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 365 अरब रुपये सालाना यानी 1 अरब रुपये यौमिया का नुकसान हो रहा है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल में मुल्क में जंगलात के रकबा में मजमूई तौर पर 41.7% से ज्यादा कमी हो चुकी है। हर साल 70,000 एकड़ जमीन से जंगल काट दिए जाते रहे। मौसमियाती तब्दीलियों और पानी के जखायर ना बनाने से पाकिस्तान में जो जेरे जमीन पानी की सतह है वो नीचे होती जा रही है। 1951 में अगर फीकस पानी 5,200 क्यूबिक मीटर मौजूद था तो वह अब तकरीबन 800 क्यूबिक मीटर रह गया है। 2016 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया कि 1947 से 2016 तक पाकिस्तान में जितने दरख्त काटे गए उससे जो नुकसान हुआ उस नुकसान के अजाले के लिए अब हमें मुल्क में कम अज कम 2 खरब दरख्त लगाने की जरूरत है।